हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेफ़ आशुतोष है और आज हम आपको ग्रिल चॉकलेट सैंडविच बनाना सिखाएंगे। बच्चों को ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हमने डार्क चॉकलेट, प्योर चॉकलेट लिया हुआ है और एक ब्रेड स्लाइस लिए हुए हैं जो कि है ब्राउन ब्रेड। इसमें रेसिपी भी हमने सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, एक तो चॉकलेट, हमने कंपाउंड यूज़ नहीं किया हुआ है, हमने प्योर चॉकलेट का कवचर यूज़ किया हुआ है जो कि 70% है और इसको हम लोग ग्रेट कर रहे हैं। आपके अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप चाहें तो इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं नाइफ से, चॉपिंग बोर्ड पे रख के। सैंडविच बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है बिकॉज़ आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो बटर है, वो ऑप्शन है। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही हल्का सा बटर लगाएं, या ना भी लगाएंगे तो भी अच्छे से वो ग्रिल हो जाएगा। और आपके पास ग्रिलर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पहला स्लाइस ब्रेड का लेके उसके ऊपर जो ग्रेटेड चॉकलेट है उसको अच्छे से लगा देना। ये जो है प्योर चॉकलेट है तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारा ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। हमने कंपाउंड यूज़ नहीं किया, वो इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं होता है, इसके लिए हम लोग जो है इसमें प्योर चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर कंपाउंड जो है जब आप उसको बेक करते हैं या उसको ग्रिल करते हैं तो वो अंदर से जल जाता है, और प्योर चॉकलेट है वो मेल्ट होके निकलता है आपका, जैसे लावा केक होता है उस टाइप से ये मेल्ट होके निकलता है। तो हमारा सैंडविच ऑलमोस्ट डन हो गया कोल्ड, अब हम इसको ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा हम लोग बटर डालेंगे बिकॉज हम इस सैंडविच के ऊपर हम बटर नहीं लगा सकते बिकॉज इसमें ऑलरेडी चॉकलेट है और अगर हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये चॉकलेट जो है बाहर निकल जाएगा। ये सैंडविच जो है वो बाइंड ही करता है एक दूसरे को, दोनों स्लाइसेस को चॉकलेट के थ्रू, बिकॉज अच्छे से अगर चॉकलेट मेल्ट हो गया तो आपके दोनों सैंडविच, दोनों जो ब्रेड हैं वो बाइंड हो जाएंगे अच्छे से। हम ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे सो डैट कि जब हम इसको टिल्ट करें तो नीचे वाले ऑप्शन पे हमें बटर ऑलरेडी मिल जाए। ऑलमोस्ट 32 सेकेंड टू 1 मिनट तक आप इसको एक तरफ आपको सेकना है, उसके बाद आपको इसको फ्लिप कर देना है सो डैट कि आपका सैंडविच जो है दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए, उसमें थोड़ा सा इवन कलर आ जाए। ये देखिए हम फ्लिप कर रहे हैं, थोड़ा सा चॉकलेट देखिए हमारा साइड में गिर गया। तो इस स्टेप में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जब फ्लिप करते हैं तो चॉकलेट जो है वो साइड में गिर ना जाए पैन के ऊपर, क्योंकि अगर वो सारा निकल जाएगा तो आपका जो सैंडविच का एक्चुअल टेस्ट है वो चला जाएगा। अब इसके ऊपर देखिए थोड़ा साइड से हमें देख रहे हैं कि हमारा जो है कलर नहीं आया, तो हम उसमें भी थोड़ा सा बटर लगाएंगे और उस पर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। एक बार दोनों तरफ 30 सेकेंड के लिए हो जाता है या 40 सेकेंड के लिए, उसके बाद हम इसके ऊपर जो है कवर कर देंगे लिड से और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। बिल्कुल स्लो करना है फ्लेम को, अदरवाइज़ क्या होगा कि हाई पे रखेंगे फ्लेम तो ये आपका ब्रेड में जो है कलर जो ज़्यादा आ जाएगा और आपका ये ब्रेड है वो जल जाएगा। और कवर करने का रीज़न ये कि जैसे ही आप कवर करते हो तो अंदर जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। अब देखिए दूसरी तरफ भी फ्लिप करके हम 1 मिनट के लिए इसको फिर से रखेंगे, तो हमारा चॉकलेट सैंडविच जो ग्रिल करा हुआ है हमने या आप इसको तवे पे सेका हुआ है वो रेडी हो गया है। इसकी एजेस को हम लोग हटा देंगे। किड्स को बहुत ही अच्छा पसंद आता है ये सैंडविच बिकॉज़ एक तो ये गरम गरम सर्व होता है, अंदर से चॉकलेट जो है मेल्टेड होके निकलती है, तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है ये सैंडविच। अगर आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट आपको सर्व करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा तवे पे दोबारा से जैसे जो हमने स्टेप किया था बिल्कुल स्लो आँच करके, जो फ्लेम को स्लो करके उसके ऊपर इसको सैंडविच को रख के ऊपर से कवर कर दीजिए वही 30 सेकंड के लिए, तो फिर से ये गर्म हो जाएगा और सेम जो क्रंचीनेस है ब्रेड में वो भी आ जाएगी और चॉकलेट भी मेल्टेड होके निकलेगी आपको। हमने अपने चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट में पूरा सैंडविचेस के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उसमें हेल्दी सैंडविचेज भी हैं, चॉकलेट सैंडविचेज भी हैं, मैक्सिमम जो सैंडविचेज कोल्ड सैंडविचेज हैं आप उसमें चाहें तो देख के बना सकते हैं। आप इस सैंडविच को ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड इसके ऊपर देखिए हम लोग थोड़ा सा जो हमने चॉकलेट सॉस है वो हम ड्रिजल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें नहीं प्लेटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं बिकॉज हम लोग प्लेटिंग करते हैं, तो प्लेटिंग करने से एक सैंडविच में अच्छा लुक आता है और अच्छा दिखता है वो। तो देखिए हम लोग छोटे छोटे डॉट्स बना रहे हैं, छोटे से बड़ा सा बड़ा, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो है प्लेटिंग डन हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
हूँ।